सर मुझे 12वीं रैंक मिली है और ये पहला प्रयास था मेरा, तो पहले प्रयास में ही क्लियर हो गया तो ये खुशी की बात है, अभी आगे नहीं मेहनत करना पड़ा। और क्योंकि भैया ने आगे भी दिया था तो उसने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है क्या करना है, और साथ में हम लोग सिलेबस को पकड़ के चलते थे और बुक ख़त्म करते थे, बुक के हिसाब से पढ़ाई करते थे, तो उस हिसाब से मतलब मेहनत की है ठीक ठाक तो फिर हो गया। एक स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी काफ़ी सही थी, पता था कि ये करना है ऐसे करना है, भटकाव नहीं था बिल्कुल। और मटेरियल जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, अपने नोट्स होते थे, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं से फिर, तो ये थी। कैसे स्ट्रेटजी थी, क्या बैकग्राउंड रहा आपका? स्कूलिंग सर मेरी माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज से हुई है, तो बेसिक बहुत अच्छा था सर, माता पिता ने भी बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो चाहे कक्षा 4-5 से लेती हुई, मतलब एक जो होता है ना बेसिक ना, आप किसी भी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो वो बहुत स्ट्रांग तरीके से करो उसको, लाइटली आप मत लो उस समय भी, क्योंकि आप जो उस समय पढ़े हो वो इधर तक काम आता है पूरा, जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहता है तो आगे आप जो भी चीज़ पढ़ते हो वो फिर बहुत जल्दी कैच हो जाती है। सर ऑप्शनल का, सर ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उसको रख के तैयारी की। क्या किसके इसकी उपलब्धि जो आपको मिली, किसको शेयर देंगे, किसको शेयर देंगे इसको, और आगे क्या तमाम, और जो बच्चे आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं तो तमाम बच्चों के लिए क्या मैसेज है? सर सबसे बड़ा जो इसमें मेरा श्रेय है वो मेरे माता पिता को है, और मेरे परिवार वालों को भी, मेरी बहनों ने भी काफ़ी मेहनत की थी पीछे, तो हम लोग जैसे काम नहीं करते थे तो वही लोग काम करते थे, एक मोटिवेशन था कि चलो वो लोग कर रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं तो कम से कम ईमानदारी से पढ़ो आप, अच्छे से पढ़ो, तो ये चीज़ था। और सर ग्रामीण परिवेश से आती हूँ तो सर मेरे जो मुझे एक समझ में आती है दिक्कत कि अभी भी लड़कियों को पढ़ाना है ये इतनी जागरूकता नहीं है, नहीं ध्यान देते माता पिता अपने बच्चों पर और लड़कियों पर खासकर ध्यान नहीं देते हैं, तो मतलब मेरे लिए तो ये एक संदेश है कि आप पढ़ाओ उनको, मन लगा के पढ़ाओ, उनके पीछे लगो आप और वो आपको रिजल्ट देंगी, वो आपको करके दिखाएंगी। आप डिप्टी कलेक्टर बन रही हैं, सर सेवा में जाएंगी तो रहेंगी कि अगर जिस भी क्षेत्र में मेरा चयन होता है तो उस क्षेत्र में अगर जो गर्ल्स एजुकेशन है वो किस लेवल की है, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो क्या अच्छे से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वहाँ उस क्षेत्र का जो सबसे पिछड़ा समाज है वो उन्नति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, समानता वहाँ पर कौन से लेवल की है, तो ये सब मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी। नाम बताइए। सर संध्या सिंह।